नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब छोड़ दे पाकिस्तान, सुषमा। भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान यदि ये समझता है कि वो आतंकवाद फैलाकर और भड़काऊ बयान देकर भारत का कोई हिस्सा छीन सकता है, तो उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सुषमा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। आप ख्वाब देखना छोड़ दें। अर्थव्यवस्था एवं नौकरियों के मुद्दे पर हिलेरी और ट्रंप में तीखी बहस। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और उनके रिपब्लिकन समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित आमने सामने की पहली बहस में अर्थव्यवस्था एवं नई नौकरियों के सृजन को लेकर आज एक दूसरे से तीखी तकरार हुई। ट्रंप ने दावा किया कि चीन के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका का इस्तेमाल गुल्लक की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश से नौकरियां जा रही है, ये नौकरियां मैक्सिको जा रही हैं, वे कई अन्य देशों में जा रही हैं। आप देखिए कि चीन हमारे उत्पाद बनाने के संदर्भ में हमारे देश के साथ क्या कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे हैं और हमारी सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो उनके खिलाफ लड़े। पाकिस्तान को बड़ा झटका, कश्मीर पर चीन ने भी छोड़ा साथ। चीन ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के मीडिया में उसका साथ देने और कश्मीर मुद्दे पर उसके दावे का समर्थन करने वाली खबरों का खंडन किया। एक दोस्त और पड़ोसी के नाते चीन एक बार फिर भारत और पाकिस्तान से अपील करता है कि कश्मीर सहित विभिन्न विवादों के उचित समाधान के लिए वार्ता करें जो विरासत में मिले हैं। लाहौर में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत यू वोरेन की टिप्पणी के बारे में पूछने पर कि क्या युद्ध होने या कश्मीर के मुद्दे पर चीन इस्लामाबाद का समर्थन करेगा, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआन ने कहा कि राजदूत की इस तरह की किसी टिप्पणी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।